हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीआरटी इंग्लिश चैप्टर 2, दैट इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वॉल्व्स टू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लेस्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। जब बहुत पहले जो डॉग हुआ करते थे वो जंगल में रहते थे भेड़ियों की तरह, वॉल्फ की तरह, और वो खुद के ही मालिक हुआ करते थे। और ये सब ऐसा तब तक चला जब तक एक ऐसा डॉग बोर्न नहीं हुआ जिसको यह तरीका जीने का पसंद नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। तब एक ऐसा डॉग हुआ जो कि बहुत परेशान आ चुका था, बहुत थक चुका था कि खुद ही फूड को ढूंढ कर अब उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो खुद फूड ढूंढे, और वो बहुत परेशान हो चुका था अपने स्ट्रॉन्गर जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली जीव से डर डर के। ही थॉट इट वॉज ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth and he set out to find a master। अब वो जो डॉग था, अब वो यह सोच रहा था कि अब ये सब ओवर कर देता हूँ और अब मैं अब एक सर्वेंट बन जाता हूँ, एक नौकर बन जाता हूँ किसी एक ऐसे जीव का जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, उससे ताकतवर कोई भी ना हो। एंड ही सेट टू फाइंड आउट सच अ मास्टर, और वो इस तरह के मास्टर की तलाश में निकल गया। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड ही वॉज मेट अ काइंड स्मेल ऑफ हिज अ बिग वुल्फ हु वॉज स्ट्रॉन्गर एज ही वॉज फियर्स। अब वो चलता गया बहुत दूर तक चला गया, फिर उसने देखा कि एक बहुत बड़ी वुल्फ थी जो कि बहुत ही ताकतवर थी और बहुत ही वायलेंट थी, यानी बहुत ही खतरनाक थी, और वो सबसे लड़ सकती थी। वेयर आर यू गोइंग डॉग द वॉल्फ आस्क्ड। तभी जो वॉल्फ होती है वो डॉग से पूछती है, अरे डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। अब वो जो डॉग होता है वो बताता है, मैं किसी एक ऐसे मास्टर की तलाश में जा रहा हूँ जिसका मैं नौकर बन सकूँ और उसकी सेवा कर सकूँ। क्या वॉल्फ क्या तुम मुझे अपना नौकर बनाना पसंद करोगी। I don't see why not, the wolf said, and this agree upon. The two of them went up together. फिर wolf कहती है, हाँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे नौकर बन सकते हो। और जो wolf थी वो agree हो गई और वो दोनों चले गए। जो dog था अब वो wolf का servant बन गया। They walked and they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब जो वो दोनों जा रहे थे तभी उन्होंने जो वॉल्फ थी वो इधर उधर भागने लगी जल्दी जल्दी, और वो अपनी नाक ऊपर उठा के कुछ सूंघने लगी। फिर वो जल्दी से भाग के बुशेज के अंदर छुप गई और फॉरेस्ट के बीच में जाके थोड़ा बुशेज में छुप गई। द डॉग वॉज मस्ट सरप्राइज, जो डॉग था वो बहुत ही आश्चर्य में आ गया, अरे ये क्यों छुप रही है। वॉट कम ओवर यू मास्टर, मास्टर आपको क्या हो गया, आप किससे डर रहे हो। कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ यू एंड मी। अब जो वॉल्फ होती है, अरे तुम्हें नहीं दिख रहा वहां से एक बियर आ रहा है, क्या तुम जानते हो अगर उसने हमें देख लिया तो वो तुम्हें भी खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब डॉग को ही पता चल गया था कि जो वॉल्फ है वॉल्फ से भी ज्यादा ताकतवर बियर होता है।
तो जो डॉग था उसको तो किसी ऐसे का मास्टर बनना था जो कि किसी से ना डरे, सबसे ताकतवर हो। तो अब वो बियर के साथ चला गया और उसने वॉल्फ का साथ जो सर्विस थी वो छोड़ दी। अब वो बियर के पास गया एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर, और बियर से पूछने लगा क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। द बियर एग्री टू दिस रीडली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस एंड आई किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। अब जो बियर होता है वो बहुत आसानी से कह देता है हाँ मैं तुम्हारा मास्टर बनना बिल्कुल पसंद करूंगा। तो फिर बियर कहता है चलो अब हम चलते हैं और एक काव के हर्ड को ढूंढते हैं, हर्ड मतलब काव के झुंड को, और उनमें से किसी एक काव को हम मार देंगे और फिर हम पेट भर के खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काव, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप बाय अ टेरिबल नॉइज। वो दोनों जो थे वो काव के झुंड के पास पहुंच ही गए थे तभी उन्हें एक अजीब सी साउंड आवाज सुनाई दी और वो डर गए। द काव वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल द डायरेक्शंस। अब जो काउस थी वो अजीब सी आवाज निकाल के चारों तरफ भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इन टू द फॉरेस्ट। जो बियर था वो पेड़ के पीछे छुप के ये सब देख रहा था और वो भी अब जंगल के अंदर की तरफ भागने लगा। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड द डॉग। अब जो डॉग है वो उससे पूछते हैं अरे हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं। इट इज द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। अब वो कहता है क्या तुम नहीं जानते इन इन पार्ट का ये जो फॉरेस्ट है इसका जो राजा है वो लॉयन होता है। द लॉयन हूज ही। अब वो कहता है ये लॉयन क्या होता है। डोंट यू क्या तुम नहीं जानते ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। वो जो है वो सबसे ताकतवर जानवर है पूरी अर्थ पर। वेल देन आई से गुड बाय टू यू डियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। अब जो डॉग होता है उसे पता चल गया कि बियर से ताकतवर लॉयन है और वो सबसे ताकतवर जानवर है पूरी दुनिया में। तो वो कहता है अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ बियर, अब मैं ऐसे मास्टर की तलाश में हूँ जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर हो, अब मैं शेर के पास जा रहा हूँ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। अब जो डॉग होता है वो लॉयन के पास जाता है मास्टर के लिए क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे। द लॉयन एग्री टू इट एंड द डॉग स्टेड हिम विद एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब वो दोनों साथ रहने लगते हैं। जो शेर के संग जो डॉग होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। जो डॉग था वो इस जीवन से बहुत खुश था क्योंकि अब उसकी कोई कंप्लेन नहीं थी लॉयन से, क्योंकि वो लॉयन के संग अपना जीवन अच्छे से बिता रहा था। उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी, कोई उसे जंगल में छू भी नहीं सकता था बिना उससे पूछे, और उसे उसको आसानी से खाना भी मिल रहा था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रन एमिड बियर क्लिफ्स When all of a sudden the lion stopped. एक दिन वो लोग एक रास्ते से जा रहे थे साइड साइड से, तभी जब वो लोग क्लिफ पे चढ़े, क्लिफ होती है एक हिल टाइप की, जब वो उस पे चढ़े तभी लॉयन एकदम से रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. तब जो लॉयन होता है वो वहीं रुक जाता है और गुस्से से अपना जो पंजा होता है वो जमीन में जमा देता है, और जब वो अपना पंजा हटाता है तो वहाँ पे एक गहरा गड्ढा हो जाता है। तब फिर जो लॉयन होता है वो चुपचाप धीरे धीरे वापस जाने लगता है। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. अब
जो डॉग होता है वो कहता है, अरे मास्टर हम पीछे क्यों जा रहे हैं, क्या कुछ दुर्घटना हो गई? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयर सेड वी बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल। वो कहता है मैंने एक आदमी की खुशबू ली है, वो इसी तरफ आ रहा है, अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाए वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ओ वेल देन आई से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनिमल ऑन द अर्थ। अब जो डॉग होता है, अच्छा ऐसी बात है तो लॉयन अब मैं तुमसे विदा ही लेता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसे मास्टर की तलाश है जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर हो। हेड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। अब जो डॉग होता है वो चला जाता है और आदमी के साथ रहने लगता है उसका सर्वेंट बनके, और वो आदमी के साथ बहुत निष्ठा से अपना जीवन बिताता है। दिस हैपन लॉन्ग एंड लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज द मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और तब से लेके आज तक जो डॉग है वो मैन के लॉयल सर्वेंट है, मैंस के बहुत फेथफुल सर्वेंट है, और डॉग का और कोई भी मास्टर नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें, एंड ये जो वीडियो है ये अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करो। थैंक यू, बाय, हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।